महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि प्रकृति ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए एक बहुत ही विस्तृत सिस्टम दिया है। हम सभी किसी महिला के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, तो अंदर एक विस्तृत व्यवस्था है। अगर आप अतीत को देखें तो आमतौर पर महिलाएं 15-16 साल की उम्र से अपनी जीवन की प्रजनन प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर देती थीं। वे शायद जीवन भर या कम से कम उनके पूरे प्रजनन जीवन में किसी तरह से अपनी प्रजनन प्रणाली का उपयोग करती थीं। अगर किसी महिला के जीवन में 6, 7 या 8 बच्चे होते थे तो शायद वो पूरा जीवन व्यस्त रहती थी, तो प्रजनन अंगों का एक तरीके से उपयोग होता था। इस वजह से महिलाएं वैसी चीजों का सामना नहीं करती थीं जैसे आज कर रही हैं। एक और कारण ये है कि पुरुष और महिला दोनों ही शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते थे। शारीरिक मेहनत की वजह से पेट के आसपास कभी कोई चर्बी नहीं होती थी। कम उम्र में अगर कोई लड़की पेट पर चर्बी जमा कर लेती है तो वो खुद परेशानी को बुलावा दे रही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ये जीवन के कई वांछित और दूसरे पहलुओं पर निर्भर करता है कि ये कब होता है, पर पेट पर चर्बी जमा हो जाए तो एक युवा महिला पक्का परेशानी को बुला रही है। समस्याएं होंगी, शायद वो ऑफिस में काम करती हैं, इसीलिए पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं होती, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं है। अगर आप किसी खेत में काम करती हैं तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप जिन समस्याओं की बात कर रही हैं वो ज्यादातर शहरी महिलाओं में हो रही हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधि कम है। भले ही वो सुबह आधा घंटा या एक घंटा व्यायाम करती हैं, पर बाकी समय वो बस बैठी रहती हैं। तो इस वजह से उस हिस्से में पर्याप्त गतिविधि नहीं होती, ये एक वजह है। दूसरी बात यह है कि प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता, ये एक और वजह है। तो अगर आप अपनी प्रजनन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर रही हैं, यानी अगर आप 21 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको हठ योग जरूर करना चाहिए। अगर आप जिम करते हैं या दौड़ते हैं, ये वो करते हैं, दौड़ना फिर भी ठीक है, पर अगर आप सिर्फ जिम में मांसपेशियां बनाकर फिट दिख रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। आपको तीव्र हठ योग करना चाहिए। 12 साल की उम्र से अगर कोई बच्ची हठ योग करना शुरू कर देती है तो ये सभी समस्याएं जिन्हें ज्यादातर लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और अपने भीतर विकास के हर चरण से बहुत ज्यादा संघर्ष से होकर गुजरते हैं, ये लड़कियां उनसे बिना किसी दिक्कत के होकर गुजरेंगी। तो ये होना चाहिए कि अगर किसी महिला के प्रजनन स्वास्थ्य को बिना प्रजनन के अच्छी स्थिति में बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें की जाएं। और आप इसके लिए जो कर रही हैं उसका ज्यादातर हिस्सा आपके सीने या पेट के हिस्से पर केंद्रित होना चाहिए। इसकी एक तरह से कसरत होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो हठ योग की तरह इस पर काम करती है। हठ योग की प्रणालियां इस पर काम करेंगी और ऐसे विशेष आसन और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सिखाया जा सकता है। अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होगी, जिसकी संख्या दुर्भाग्य से बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसका एक दूसरा आयाम ये भी है कि इन दिनों कई शहरी युवा महिलाएं किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। एक समय था जब सिर्फ आपका परिवार या आपके बच्चे या आपके पति या करीबी दोस्त ही आपको परेशान कर सकते थे। अब दुनिया भर में आपकी दोस्ती है और कोई भी आपको कभी भी परेशान कर सकता है, तो बस एक मैसेज ही काफी है और आप अगले 3 दिनों तक उसकी चिंता करते हैं। किसी भी वजह से मैं किसी एक चीज पर दोष नहीं डालना चाहता, ये एक आम बात हो गई है कि सभी तनाव में रहते हैं, तो इसे भी बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अगर आप सही तरह से योग करते हैं तो आपके भीतर मौजूद शरीर के बुनियादी रसायनों को संतुलन में लाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही समाधान है, वरना ये चीजें बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज मुझे लगता है कि ग्रामीण आदिवासी सभी प्रकार की महिलाओं को मिलाकर मेरे ख्याल से बच्चे पैदा करने की औसत उम्र 22 के आसपास हो गई है, पर मुझे विश्वास है कि अगले 25 सालों में ये शायद 35 हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये 35 तक पहुंच जाती है और महिलाएं खुद की देखभाल नहीं करती हैं तो युवा महिलाओं में ऐसी समस्याओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अपना ख्याल रखने का मतलब
दवाएं लेना या डॉक्टरों के बारे में नहीं है। आपको योग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि शरीर में एक तरह का संतुलन आए, सिस्टम में रासायनिक संतुलन हो, सिस्टम में हार्मोनल बैलेंस हो, जिससे सभी ग्रंथियों का स्त्राव अच्छे से और संतुलित तरीके से हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें ये गैर जरूरी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, कुछ प्रतिशत लोगों को हमेशा कोई न कोई शारीरिक बीमारी होगी, जो एक अलग बात है, पर अभी ये प्रतिशत बहुत बड़ा है। हमारा समाज बीमारी के एक अप्राकृतिक स्तर पर पहुंच रहा है, इसे ठीक करना होगा, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ सदगुरु जी ने आपको जो जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, अगर आप उन सभी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस सबके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग और आपके मन पर आपका पूरा नियंत्रण होना। नहीं तो हो सकता है कि इन अच्छी आदतों को आप कुछ दिन के लिए अपनाकर फिर से छोड़ दें। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आप कुकू FM पर सदगुरु जी की माइंड इज योर बिजनेस बुक की समरी जरूर सुने, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपका मन भटकता है और किस तरह से आप इसे सही रास्ते पर लाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सदगुरु की ऐसी बुक्स के साथ साथ और भी कई ज्ञानवर्धक पुस्तकों की समरीज आपको सुनने को मिलेंगी कुकू FM पर, जिनकी सबसे खास बात यह है कि आप इन पुस्तकों को हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती जैसी अपने लोकल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो दिखाए गए प्रोमो कोड ज्ञान 200 की सहायता से शुरुआत के 250 लोग पा सकते हैं पूरे 200 रुपए का डिस्काउंट। और अगर आप 15 अगस्त तक कुकू FM का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो 12 महीने के प्राइस पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 15 महीने के लिए। तो अगर आप अपने जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप कुकू FM। सुने कभी भी कहीं भी।